हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन फिक्स वर्टिकल प्लेट, जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा पिछले क्लास में हो चुका है। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स थे दोस्तों, और ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप विथ अ नोजल एट द वन एंड, द डायमीटर ऑफ द नोजल इज 100 mm। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पाइप है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, और वो लिक्विड है वाटर, और उसके एक एंड पे नोजल लगा हुआ है। द डायमीटर ऑफ नोजल इज 100 mm, और उस नोजल का डायमीटर जो दिया हुआ है वो 100 mm है। एंड द हेड ऑफ वाटर एट द सेंटर ऑफ नोजल इज 100 मीटर, और वो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर जो है वो इन टर्म्स ऑफ हाइट दिया हुआ है, जो कि है 100 मीटर्स। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द फिक्स वर्टिकल प्लेट। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ फिक्स वर्टिकल प्लेट, टेक सी वी इक्वल्स टू 0.95। सो हमें सी वी दिया हुआ है, उसके बाद में डायमीटर दिया हुआ है और हेड दिया हुआ है, और हमें निकालना है इसमें फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ फिक्स वर्टिकल प्लेट। तो हमें ये ध्यान में लाना पड़ेगा यहाँ पे कि फिक्स वर्टिकल प्लेट पे फोर्स एक्सर्टेड का जो फॉर्मूला है वो है रो ए वी स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला है वहाँ पे, वो रो ए वी स्क्वेयर, ठीक है। मतलब हमें फोर्स एक्सर्टेड निकालना है तो हमें तीन चीजें चाहिए, रो चाहिए, ए चाहिए और वी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है, डायमीटर गिवन में देखिए डी दिया हुआ है, तो डायमीटर से हमारा एरिया निकल जाएगा। सभी को पता है पाई बाय 4 डी वन स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है, डी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से हमें एरिया मिल जाता है। उसके बाद में देखिए एरिया तो निकल गया, अब रो जो बचा हुआ है, रो यहाँ पे गिवन नहीं है। सो आपको इसके पहले भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उसमें दिया हुआ था कि जहाँ पे भी वाटर रहेगा तो आपको रो अगर वहां पे यूज करना है तो रो आप अज्यूम करेंगे, रो इज इक्वल टू 1000 kg per meter cube। ये काय के लिए होता है, वाटर के लिए, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg per meter cube। सो ये न्यूमेरिकल्स में दिया नहीं रहेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है और अज्यूम करके लिखना है इसको। सो रो भी हो गया, ए भी हो गया, अब बचा वी। तो वी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में, वेलोसिटी ऑफ जेट हम लोगों ने निकाले थे इसके पहले भी, रो ए वी स्क्वायर के फॉर्मूले से, सॉरी क्या फॉर्मूला था उसका, वी इज इक्वल टू सी वी अंडर रूट 2gh। क्या फॉर्मूला था दोस्तों, सी वी अंडर रूट 2gh। तो यहाँ पे सी वी भी दिया हुआ है, 2 और जी दिया नहीं, तो जी की वैल्यू होती है 9.81, ठीक है। मतलब ये दो चीजें अपने को अज्यूम करनी है, तो 2gh और h यहाँ पे गिवन है। तो देखिए सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन लिख लेंगे, डायमीटर गिवन है 100 mm, हो जाएगा 0.1 मीटर, एच है 100 मीटर और सी वी है 0.95। टू फाइंड आउट हमें करना है एफ एक्स, एफ एक्स का फॉर्मूला है रो ए वी स्क्वेयर, ठीक है। तो रो ए वी स्क्वेयर के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा ये दो चीजें, रो का वैल्यू 1000 kg per meter cube फॉर वाटर और जी का वैल्यू 9.81। सो अभी सोल्यूशन पे आ जाएंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ जेट पाई बाय 4 डी स्क्वेयर से निकाल लेंगे हम लोग। सो एरिया मिल जाएगा हमको 7.85 × 10⁻³ का उसका यूनिट का मीटर स्क्वेयर। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ जेट वी इज इक्वल टू सी वी अंडर रूट 2gh, तो सी वी का वैल्यू दिया है 2 है, 9.81 अज्यूम किया हम लोगों ने, एच 100 दिया हुआ है, तो वहां से वी मिल जाएगा हमें 42.08 मीटर पर सेकंड। अब बचा लास्ट में फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट का फॉर्मूला है रो ए वी स्क्वायर, तो रो का वैल्यू लिखा हम लोगों ने, ए का वैल्यू लिखा और वी का वैल्यू लिखा और उसको स्क्वेयर कर दिया यहाँ पे, उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, स्क्वेयर। सो हमें एफ एक्स मिल जाएगा यहाँ पे 13905.51 न्यूटन। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल दोस्तों आज का। अब देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। सो सेकंड न्यूमेरिकल देखिए दिया हुआ है, अ जेट ऑफ वाटर 80 mm डायमीटर, एक जेट है जिस वाटर का जिसका डायमीटर है 80 mm, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली गिवन है, तो इसके पहले न्यूमेरिकल में हमको हेड दिया था, उससे हम लोगों ने वेलोसिटी निकालती, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्ट गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक्स द स्टेशनरी प्लेट, किसको स्ट्राइक कर रहा है, वो स्टेशनरी प्लेट को, मतलब फिक्स प्लेट को। फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट, क्या निकालना है अपने को, नॉर्मल फोर्स मतलब प्लेट से परपेंडिकुलर फोर्स निकालना है। तो उसमें दो कंडीशन दी है, पहला व्हेन प्लेट इज नॉर्मल टू द जेट, मतलब प्लेट जब जेट को परपेंडिकुलर रहेंगी, एंड सेकंड कंडीशन दिया है व्हेन द एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट इज 30 डिग्री। सो ये दूसरी कंडीशन है, जब प्लेट इंक्लाइन है 30 डिग्री से, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पे गिवन है डी, डायमीटर 80 mm, तो उसका हो जाएगा 0.08 मीटर। उसके बाद में वी इज इक्वल टू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड,
रो इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये अजूम किया हम लोगों ने कि हम इसके पहले न्यूमेरिकल में भी बताया आपको मैंने कि रो दिया नहीं रहेगा, वो अपने को अजूम करना है। और एक और हम लोग यूज करेंगे जी इज इक्वल्स टू 9.81। ठीक है, ये चार चीजें अज्यूम करना है, गिवन है हमारे पास में डायमीटर और वेलोसिटी, और रो और जी हम लोगों ने अज्यूम किया। सो आगे बढ़ते फिर, सो एरिया ऑफ जेट निकाल लिया हम लोगों ने पाई बाय 4d² से, तो इससे हमको एरिया मिल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं, स्टेशनरी प्लेट नॉर्मल टू द जेट, तो ये रहेंगे हमारा पहली कंडीशन जब प्लेट फिक्स होती है और जेट उससे परपेंडिकुलर होता है। तो एफ इज इक्वल्स टू रो ए v² का फॉर्मूला, सो रो का वैल्यू 1000, ए का हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और वी गिवन है, तो इससे हमारा एफ निकल जाएगा 2010.6 न्यूटन। अब दूसरी कंडीशन देखिए जिसमें कहा गया है कि प्लेट और जेट एक एंगल में है और वो एंगल है 30 डिग्री का। सो ऑब्लिक इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट, ये उसका हेडिंग है, एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट इज 30 डिग्री। सो देखिए यहाँ पे उसने न्यूमेरिकल में पूछा है नॉर्मल फोर्स, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एफ एन निकाला और उसका फॉर्मूला रो ए वी स्क्वेयर साइन थीटा। सो रो का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, वी स्क्वेयर की जगह 20 का स्क्वेयर और साइन 30 रहेगा यहाँ पे। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एफ एन इज इक्वल टू 1005.3 न्यूटन। सो ये दो न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, पहले हमारा जो फिक्स प्लेट है उस कंसेप्ट के ऊपर। होप करता हूँ आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे।